बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। गांव पावटी खुर्द में आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रधान राजवीर सिंह त्यागी पर दलित महिला ने गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को गांव पावटी खुर्द पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने 9 मई की घटना की जानकारी लेनी चाही तो आरोपित के विरुद्ध एक दलित महिला का गुस्सा फूट पड़ा। महिला ने आयोग सदस्य से शिकायत की कि 7 वर्ष पहले वह राजवीर के खेत से घास काटने चली गई थी। इसकी एवज में पूर्व प्रधान राजवीर ने उस सहित 6 महिलाओं से 6,000 रुपए की वसूली की थी। आयोग सदस्य ने इस मामले में लिखित शिकायत मांगते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। नौमे को चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द में मुनादी पिटवाकर आपत्तिजनक दलित विरोधी टिप्पणी की गई थी। आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान व कुख्यात विक्की त्यागी के पिता राजवीर त्यागी मुनादी करवाकर ऐलान कराया था कि कोई भी दलित उनके खेत ट्यूबवेल या समाधि पर ना चढ़े। ऐसा करने वालों को 50 जूते तथा 5,000 रुपए का जुर्माना अदा करने की चेतावनी दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने राजवीर तथा मुनादी पीटने वाले कुंवरपाल के विरुद्ध SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी कराए जाने के पूर्व प्रधान की दलित विरोधी मानसिकता उजागर हुई थी। उत्तराखंड के विधायक देशराज की शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग सदस्य डॉक्टर अंजू बाला मामले की जांच के लिए जिले में पहुंची। PWD डाक बंगले पर रुकने के बाद वह शिकायतकर्ता उत्तराखंड विधायक देशराज के साथ गांव पावटी खुर्द के लिए रवाना हुई। गांव में SDM प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह व SPCT अर्पित विजयवर्गीय संग उन्होंने दलित महिलाओं व पुरुषों से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कार्यवाही के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस तथा प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की है। उन्होंने कहा कि यदि मुकदमे में अन्य धारा बनती है तो आरोपितों के विरुद्ध उनकी वृद्धि कराई जाएगी। गांव पावटी खुर्द पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने गांव की महिला मंशा से पूर्व प्रधान राजवीर त्यागी की शिकायत की। आरोप है कि 7 वर्ष पहले वह और 5 अन्य दलित महिलाएं घास काटने के लिए गई थी। वहां पहुंचे पूर्व प्रधान राजवीर त्यागी ने उनसे उनके खेत में प्रवेश करने की एवज में 6,000 रुपए का दंड दिया था। सभी महिलाओं को 6,000 रुपए देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले में आयोग सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं को लिखित में शिकायत देने के लिए कहते हुए आरोपित के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही कराए जाने के लिए आश्वस्त किया। आज हम घास काटने गए थे जी। कब? ऐसे हो गए जी 6-7 साल। अच्छा, हम कहा लगे यहाँ से चलो नहीं 6,000 पे जाओ, वहाँ से 6,000। किसने मांगे? राजवीर ने जी। हम 6 जगह थे जी, 36,000 गए थे जी। किसने मांगे? घास काटने का चलती भाई। ये खेती हर मजदूर हैं तो खेत में काम करने के लिए। और जी बताओ जी कहाँ जाने के लिए? खेत में जाने के चलते वसूली की है 36,000 रुपए, 6,000 रुपए 6 लोगों से। कब की बात है? क्या नाम है आपका? ममता जी। आपत्तिजनक दलित विरोधी टिप्पणी कराए जाने पर थाना चरथावल पुलिस ने गांव पावटी खुर्द के पूर्व प्रधान राजवीर त्यागी व मुनादी पीटने वाले कुंवरपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी। दोनों को 10 मई को विशेष SC/ST कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 18 मई निर्धारित करते हुए दोनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया। कोर्ट 18 मई को दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। जहां पे 9 तारीख को घटना हुई थी, किसी व्यक्ति के द्वारा, अब हम नाम नहीं उजागर करेंगे, हालांकि सारे मीडिया का ही मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ हम तक पहुँची, जिसमें कमीशन ने सो मच पावर भी ली और कुछ लोगों ने, हम जो पटिशनर हैं उन लोगों ने हमें एप्लीकेशन भी दी कि यहाँ पे गाँव में भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले शब्दों का यूज़ हुआ। जब वो सोशल मीडिया पे मैंने खुद भी वो न्यूज़ देखी तो वो एक पुराने ज़माने की जो चीज़ें हुआ करती थी वो याद आ गई कि कैसे वो ढोल बजा के डुबकी पिटवा के आप उन शब्दों को यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ आने पे 5,000 रुपया जुर्माना होगा और भी कुछ अशोभनीय शब्द कहें, मैं जिस पे जाना नहीं चाहती। वो संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने, हमारे जो अध्यक्ष हैं विजय सापला जी ने, ये निर्णय लिया कि एक्सपोर्ट विजिट करते हैं, वहाँ पे क्या सही में क्या सत्यता है ये जानने के लिए कि क्या घटनाक्रम सारा हुआ है।
इसीलिए आज हम ये विजिट करने आएंगे। हालांकि हमने प्रशासन से इसके बारे में पूरी वार्ता की और एक अपनी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होती वो भी मंगवाई, जिसमें वो संतोषजनक थी कि 9 तारीख की घटना है और 9 तारीख की ही शाम को उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये जानना था कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हो गई, क्या ऐसी नौबत आ गई कि इस तरीके के वर्ड यूज़ करने पड़े, इस तरीके के वो ढोल बजा के और ये शब्दों का उपयोग किया गया रात के वक्त, क्यों ऐसा हुआ। तो वो जानकारी हम करने यहाँ पे आए थे और आज मैं पूरे गांव से मैं मिली हूँ, बात हुई है, एक एक करके हमने महिलाओं से, आदमियों से, जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बात की है। और पहले इस तरीके की घटना यहाँ कभी हुई नहीं थी, फर्स्ट टाइम ऐसे हुई है। और आपको भी हम लोग ये भरोसा भी दिलाएंगे और मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि कमीशन कभी खामोश नहीं रहता है। नहीं, अभी तो आज इनके चेहरों पे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, कुछ जिन्होंने मीडिया की को वाइट दी थी वो थोड़ा सहमी हुई है, ममता है उनका नाम, वो थोड़ी सहमी हुई है कि मेरे पे उन्होंने धमकी दी है कि बाहर आएंगे तो आपको, लेकिन हम उसको पूरा आश्वासन भी दे रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं होगी, अपनी आवाज़ उठाएंगी, नहीं होगी। और अपनी आवाज़ उठाने के लिए सबको आज़ादी है, स्वतंत्र हमारा भारत है, लोकतंत्र है, जहां अपनी बात को रख सकते हैं, और इस तरीके का उसका कोई भी उनसे हानि नहीं पहुंचेगी, उसके लिए हम जिम्मेवारी भी लेगा प्रशासन, और इस तरीके की घटना कभी फिर दूसरी बार नहीं।